अस्सलाम वालेकुम। तो कतर के हवाले से दो बैड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कतर में एमओआई की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि चार एशियन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो खुद भी नशावार चीज़ें इस्तेमाल करते थे और लोगों को भी बेचते थे। जब एमओआई की तरफ से परमिशन मिली तो पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन ने इनके घरों के जो रूम है उनको तलाशा, और जब तलाशा तो इनके रूमों से जो चीज़ें बरामद हुई उसमें कैप्सूल, नशावार चीज़ें और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि इनलीगल थी। और अभी इनको पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन के हवाले कर दिया गया है जहां इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो जो इस लिस्ट में हमारी दूसरी अपडेट है वो ज़्यादा बैड न्यूज़ है, क्योंकि जून के लास्ट पर जब कतर की तरफ से लोगों के बारे में कि कतर में कितने लोग मौजूद हैं, तो इस वक्त कतर में जून के लास्ट पर 26,56,032 लोग मौजूद थे, जो कि मई 2023 के निस्बत बहुत कम है, क्योंकि मई 2023 के लास्ट पर तकरीबन 30 लाख प्लस बंदे थे, जो कि एक महीने के अंदर 3 से 3.5 लाख लोगों की गिरावट देखने में आई है। तो काफ़ी लोग हो सकते हैं जो अपने घरों में ईद करने गए हों, या उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने मुल्क गए हों कैंसल होकर, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कतरी लोग हैं वो कोई अपनी हॉलीडे मनाने के लिए दूसरी कंट्री गए हों। तो ज़रूरी नहीं है कि 26,56,032 लोग ये वही लोग हैं जो कतर में मौजूद हैं, कुछ लोग अपने घरों में ईद वगैरह मनाने के लिए गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।